पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान बिगड़ती जा रही है। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर टीएमसी भड़क उठी है। पार्टी ने भी उन्हें चेतावनी दे डाली है। घोष का ये बयान बीजेपी को तमाम मुश्किलों में घेर सकता है। फेसबुक के साथ इतना बड़ा विवाद हो गया, बेतुके बोल को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल हो गया, लेकिन बीजेपी के नेता है कि मानते नहीं, अपनी जुबान पर लगाम लगाते ही नहीं। सत्ता में आने की सनक ऐसी चढ़ी है कि कुछ भी बोलते जाते हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने को आतुर बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ गिनवाने को तो बचा नहीं है, इसीलिए वो ममता की पार्टी को खरी खोटी सुना रही है। लेकिन आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो टीएमसी के लोगों को पिटवाने की बात तक बोल गए। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को जूतों से पीटा जाएगा। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की 2021 के विधानसभा चुनाव में पराजय होगी, चौराहों पर इसके कार्यकर्ताओं को निवस्त कर जूतों से पीटा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों के बच्चों की शिक्षा का पैसा लूट रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, मैं अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा हूं, 2021 में जनता इनके गलत कामों का जवाब जरूर देगी। दिलीप घोष की पिटाई वाली बात पर सियासत में बवाल मच गया है। अब जब वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ऐसे बोल बोलेंगे तो जाहिर तौर पर टीएमसी कैसे शांत बैठेगी। पार्टी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने उन्हें ऐसा करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो पहले मुझे जूतों से पीट कर दिखाएं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। इतना ही नहीं, पार्टी के दूसरे नेताओं ने दिलीप घोष को अशिक्षित और असभ्य तक बता दिया। अब टीएमसी का बीजेपी पर बरसना लाजमी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने विवादित नेता पर कार्रवाई करेगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।